देखो अब मैं क्या कहूँ, इतना ज़्यादा समय देने के बाद भी मैं इसे वैसा नहीं बना पाया जैसा मैंने सोचा था। लगभग 80-85% ही रिजल्ट अचीव कर पाया। गलती मेरी ही है, मैं एक्सपेरिमेंट करने लगा था। आमतौर पर मैं आइवरी शीट्स यूज़ करता हूँ, लेकिन इस बार ब्रिस्टल यूज़ कर रहा हूँ। और इस पेपर के बारे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए इस पेपर पे एक और ड्राइंग बनाकर देखूंगा और फिर आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यही सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या और कैसे बना रहा हूँ। दरअसल मैं कोई मेथड फॉलो नहीं करता, बस रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करता हूँ और फिर प्रोपोर्शंस ड्रॉ करने लगता हूँ। शुरुआत में सिर्फ रफली फीचर्स को प्लॉट करता हूँ और जब ठीक लगे तो डिटेलिंग की तरफ जाता हूं। इस ड्राइंग की रेफरेंस इमेज मैंने बहुत पहले ही डाउनलोड की थी और तब से इसे बनाना चाहता था। अब ये मत पूछना कि ये कौन है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता। क्या है कि मेरी इनसे कोई खास जान पहचान नहीं है। मैंने गूगल देवता की मदद से इन्हें ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। खैर, बहुत प्यारी पिक्चर है, बस दुख इस बात का है कि मैं पूरी तरह से जस्टिस नहीं कर पाया। और भी अच्छी और स्मूथ रिजल्ट्स अचीव कर सकता था। पेपर की अगर बात करूं तो मैं सबसे ज्यादा आइवरी शीट्स यूज करता हूं। आइवरी शीट्स एक जनरल मल्टीपर्पज़ पेपर है और इसे बहुत से अलग अलग तरह के ड्राइंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, और ये काफ़ी सस्ती भी होती हैं। लेकिन आज मैं ब्रिस्टल यूज़ कर रहा हूँ, जो एक ड्यूरेबल और हाई क्वालिटी प्रोफेशनल ड्राइंग पेपर है, और इसी वजह से मैं ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो पेपर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था। अब ये मेरे ज़्यादा इरेज करने की वजह से हो रहा था या फिर किसी और वजह से, मैं सच में नहीं जानता। इसलिए इस पे मैं एक और ड्राइंग बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इस पेपर की कंप्लीट रिव्यू दूंगा। और अब आते हैं पेंसिल्स पर। मैं स्टैडलर की ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज करता हूँ और डार्क वैल्यूज के लिए स्टैडलर की ही ब्लैक पेंसिल्स यूज करता हूँ। लेकिन ब्लैक वाली ग्रेफाइट नहीं है, कार्बन मिक्स ब्लेंड है, थोड़ी सी चौकी है और बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं होती। ग्रेफाइट के साथ दिक्कत यह है कि डार्क वैल्यूज सही से नहीं निकल पाते, क्योंकि जितनी बार आप लेयरिंग करते हो ग्रेफाइट उतनी ही ज़्यादा शाइन करता है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए बहुत से आर्टिस्ट ग्रेफाइट के साथ चाकोल यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत यह होती है कि छोटी ड्राइंग्स में आप बहुत ज़्यादा फाइन डिटेलिंग नहीं कर सकते। इस ड्राइंग में मुझे बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यूज अचीव करने थे और ग्रेफाइट की शाइन से बचने के लिए मैंने स्टैडलर की ब्लैक पेंसिल्स को घिसकर पाउडर बनाया और उसे यूज़ किया। और सच बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गलती थी। ये ब्लेंड नहीं होता, साथ ही बहुत ज़्यादा पैचेस आ रहे थे। मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था और इसलिए अब आने वाली ड्राइंग्स में मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा। जितना मैंने सोचा था ये ड्राइंग उससे ज़्यादा टफ और टाइम कंज्यूमिंग निकला। इन्होंने बहुत सुंदर से ब्लाउज पहने हुए हैं और उस पे बने डिज़ाइंस को बनाने में मेरी सच में हालत ख़राब हो गई। पता नहीं मैं कभी हाइपररियलिज्म तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अभी मुझे और ज़्यादा पेशेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं डेली हैदर रोनी की आर्ट वर्क्स देखता हूं और मोटिवेट होता हूं। मैं हार्डकोर भक्त हूं उनका, और उनकी ही ड्राइंग से इंस्पायर होकर मैंने दोबारा से ड्रॉ करना शुरू किया था। खैर, सब कुछ सही रहा और आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, तो ड्रॉ करता रहूँगा और मेहनत करता रहूँगा। आज की ड्राइंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।
मुझसे बातें करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।